नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी दीवान। प्रज्ञा विजुअल एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का 11 अगस्त को जवाहर नवोदय विद्यालय का परीक्षा है, तो आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए ले आया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठी फ्रेश 2 प्रश्न पत्र 2018 का। जी हाँ, तो आप लोग के सामने प्रश्न पत्र प्रस्तुत करूंगा और साथ ही इसके बारे में बताते चलूंगा और साथ ही आप लोग के लिए डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा। आप लोग वहां जाकर बिल्कुल प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे प्रज्ञा वीडियो चैनल में तो प्रश्न पत्र आप लोग को मिलते ही है, बकायदा लिंक दिया जाता है, तो इसीलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठवीं प्रवेश हेतु प्रश्न पत्र 2018 का। तो आज के प्रश्न पत्र में आप लोग को मुख्य रूप से इसका पूरा हाईलाइट करते जाऊंगा, मतलब इसका हम रिव्यू करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यह रहा आपका 2018 का प्रश्न पत्र। यहाँ पर आप लोग को रोल नंबर लिखना है, परीक्षा पुस्तिका लिखा हुआ है, हिंदी है, ये हिंदी माध्यम लोग के लिए है। और यहाँ पर परीक्षा पुस्तिका नंबर सब चीज लिखा है, तो ऐसी सेम टू सेम इस तरह का पेपर मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग को तो पता है आने वाला पेपर कब होगा, 11 अगस्त को होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है आपका परीक्षार्थी का नाम, अपना नाम लिखोगे, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर अपना हस्ताक्षर करोगे, ठीक है। अब इसके अलावा ओ में और सीट मतलब उत्तर पुस्तिका आता है, उसमें आप लोग को पूरा डिटेल भरना होता है, ठीक है। अब चलिए आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। समय है 2 घंटे का रहेगा, अधिकतम अंक है 100 अंक, ठीक है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, यहाँ पर कुछ निर्देश दिया हुआ है, इस निर्देश को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस पुस्तिका में 3 अनुभागों में 100 प्रश्न दिए गए हैं, मानसिक योग्यता प्रश्न 1 से 50 तक, अंगणित प्रश्न 51 से 75 तक, भाषा संबंधित 76 से 100 तक, इस टाइप का प्रश्न आएंगे, मानसिक योग्यता से, अंगड़ी से और भाषा संबंधी से। मानसिक योग्यता क्या है, जो आपका रीजनिंग होता है, उसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के चित्र होते हैं, आकृति दिया हुआ होता है, मिलान करना, जोड़ी बनाना, अगुण आकृति को पूरा करना, तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं। और अंगणित में क्या आता है, अंगणित में आपका जितना भी गणित संबंधी प्रश्न होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ये जो अंगणित होते हैं ये आपके कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक से नहीं होते हैं, इसके लिए आपको अलग से गाइड में पढ़ना होगा। बेहतर ये है कि आप गाइड जरूर लीजिएगा, वहां से तैयारी करिएगा। भाषा संबंधित, जैसे आपका हिंदी माध्यम से है तो हिंदी से संबंधित गद्यांश आएंगे और उसमें से आपका 5 प्रश्न दिए हुए रहेंगे, गद्यांश को पढ़कर आप लोग को हल करना है। अगर अंग्रेजी माध्यम वाले तो अंग्रेजी के आएंगे, ऐसा है, यदि कोई गुजराती है तो गुजराती का आएगा, तमिल है तो तमिल का आएगा, मतलब माध्यम के हिसाब से वो बदलता रहता है। तो यहाँ पर पूरा दिशा निर्देश दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। तो मैं आप फटाफट आगे बता देता हूँ। तो ये खंड एक मानसिक योग्यता परीक्षा भाग है, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, तो निर्देश आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको शॉर्ट में पूरा बताते जा रहा हूँ, ये मतलब जो वीडियो है ये सिर्फ हाईलाइट है, आपका प्रीव्यू दिखा रहा हूँ बस पेपर का, कैसे कैसे आते हैं, ताकि आप लोग को जानकारी मिल सके। जैसे यहाँ पर ये पहला वाला जो प्रश्न दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर सदिश में कौन सी आकृति अलग है। अब जैसे ये गोला है, यहाँ पर एक ठो यहाँ पर रंगा दिया गया है, इसमें छायांकित कर दिया गया है, इसमें भी कर दिया गया है, कैप्सूल का आकृति बना हुआ है, तो यहाँ पर डबल यहाँ पर छायांकित कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 सही है। जैसे दूसरा का ले लेते हैं, दूसरा का देखिए, यहाँ पर 2 है, ये दोनों
त्रिभुव आपस में मिले हुए हैं, ये भी दोनों यहाँ पर मिले हुए हैं, आपका प्रिज्मा है, गोला भी आपस में मिले हुए हैं, लेकिन जो है ये आकृति क्या है, ये जुड़े हुए हैं केवल, ओवरलैप नहीं किया हो गया, इसको बोलते हैं ओवरलैप बोलते हैं, इसके एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना। ठीक है, तो इसका सही क्या हो गया, पहला वाला सही हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह आप लोग का जो अगला है यहाँ पर आएगा, तो सी वाला प्रश्न आया हुआ है, तो ये जो आकृति दिया हुआ है इसके साथ मैच होना चाहिए, इससे मिलान होना चाहिए कि सेम आकृति कौन सा होगा। जैसे छठवा वाला है, जैसे इसका आकृति को ध्यान देखिए, इमेजिंग करिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन, यहाँ मिलता है कि नहीं, ये मुंह के यहाँ सेम है, नाक सेम है, इसकी आंख सेम है, और इसका कान भी सेम है, तो मतलब तीसरा वाला सही है। ठीक है, तो इसी तरह से मिलान किया जाता है, बस आपको मानसिक योग्यता में दिमाग लगाना है, इमेजिंग करना है बस है इसमें। जैसे यह आकृति देख लो, अब ये अपूर्ण आकृति दिया हुआ है यहाँ पर, तो यह आपको पूर्ण करना है, तो आपको हर चीज हर एंगल में आपको देखना पड़ेगा, हाँ यह ऐसे बनेगा, ये डंडा ऐसे खींचा रहेगा, ये ऐसे खींचा रहेगा, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा इस टाइप का है कि नहीं। जैसे ये तीसरा वाला है, तो तीसरा वाला आपका सही है, तो इस तरह से अपूर्ण आकृति को पूर्ण किया जाता है। अब ये जो आकृति है ये रोटेशन वाला है, रोटेशन होता है, कई बढ़ते क्रम होता है, जैसे ये आकृति वाला सैंपल को यहाँ देख लिए कि ये कैसे मूव कर रहा है, जैसे ये गोला इधर आएगा तो ये खसकेगा, त्रिभुज इधर खसकेगा, फिर ये गोला इधर आएगा, फिर ये खसकेगा, तो ये कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि मूवमेंट वाला है। जैसे 17 का देखिए, ये वी है, दो हो गया, फिर ये तीन हो गया, इसके बाद चार आएगा, तो ये चार आ गया। ठीक है, दूसरा वाला सही है 17 का, तो इसी तरह से हल किया जाता है। ठीक है, भाग पांच में ये आप लोग का ये दिया हुआ है, ये अनुपात है, इसके अनुपात के आधार पर, इसके अनुपात के आधार पर इसको हल करना होता है। ठीक है, मैं आपको पूरा बता दिया मानसिक योग्यता का। अब जैसे ये है, यहाँ पर फिट करके देखना है तो कौन सा वाला फिट होगा, ये आपको दिमाग लगाना है, तो तीसरा वाला फिट होगा इसके साथ। ठीक है, तो इसी तरह से आपको हल करते जाना है। ये दर्पण वाला आया है, आपको दर्पण से इमेजिंग करना है कि दर्पण रखने से वो कैसा आकृति दिखेगा, तो यहाँ पर आपको ढूंढना है। ठीक है, समझ आ गया। ये कागज वाला आकृति दिया हुआ है, कागज को मोड़ने से कौन सा आकृति बनेगा, कट लगाने से, जैसे यहाँ पर दो कागज दिया हुआ है, तो यहाँ दोनों जगह कट लगा दिए, फिर यहाँ पर इसको खोलने से कैसे बनेगा, तो आपका ये वाला सही है, तीसरा वाला। ठीक है, 36 का, तो इसी तरह से हल किया जाता है। ठीक है, अगला मैं आप लोग को बताता हूँ, खंड दो अंगणित, ये अंगणित के प्रश्न आए हुए हैं, और ये चीज बोलता हूँ कक्षा पांचवी बुक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, यहाँ आपको सिर्फ गाइड से ही तैयारी करना है, इनका अलग सिलेबस है अंगणित का, आपको गाइड से ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और पिछले प्रश्न पत्र को भी आप हल करना है, किस टाइप का आया हुआ है, वैसा मैं आप लोग को आज के वीडियो में प्रश्न पत्र भी दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न इधर आई हुए देख ले, ये कुछ इमारती प्रश्न है, आयताकार का आया हुआ है, कुछ एक के नियम का भी आ जाते हैं, लाभ हानि का प्रश्न आते हैं, गति चाल का भी आ जाते हैं, कुछ पांच अंक की से बड़ी बड़ी से छोटी छोटी संख्या है जिनमें सभी अंक भिन्न हो, ये अलग प्रश्न आते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा, कुछ जगह टिक लगा नहीं है, उसके बाद भाषा परीक्षण से है। ठीक है, भाषा परीक्षण से भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, जैसे गद्यांश है, उसमें केवल इसमें गद्यांश आता है, किसी भी टॉपिक उठा के दे दिया रहता है कि गद्यांश कौन सा होता है, आपका कहानी का हो सकता है, या आपका कुछ मोटिवेशनल हो सकता है, शिक्षा पर ऐसे गद्यांश दिया होता है, कहीं तो कहीं किसी मुद्दे पर रहता है, किसी विज्ञान से संबंधित होता है, ये जैसे ये कहानी का है ये। ठीक है, ये दोनों कहानी का आया हुआ है, फिर उसके बाद ये तुलसी के बारे में बताया हुआ है, किसी पौधे का, आपको अलग अलग प्रकार के विषय आते हैं, सामाजिक विज्ञान का कुछ उठा लेंगे,
कभी हिंदी को उठा लिया जाएगा, कभी विज्ञान को उठा लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट में, तो अलग अलग तरह के गद्यांश आते हैं इसमें। ठीक है, किसी जैसे कुछ स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, जैसे फास्ट फूड खाने से क्या क्या होता है ये सब बताया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गया, मैंने इसका पूरा प्रिव्यू कर दिया हूँ प्रश्न पत्र, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को प्रश्न पत्र उपलब्ध हो जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो पर सिटाई देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यह जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठी प्रेस से टू प्रश्न पत्र 2018 के बारे में समझ आ गया होगा, तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को देख कर नजर जरूर लगा लिए होंगे कि प्रश्न स्तर कैसा है। थोड़ा कठिन भी आता है, आप गणित को देखे होंगे, आपके टेक्स्ट बुक से ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, तो इसके लिए आप लोगों को अलग अलग प्रकाशन के गाइड से आप लोग को तैयारी करनी पड़ेगी, तभी ये गणितीय प्रश्न आप लोग हल कर पाओगे। जैसे उपकार का आता है, प्रतियोगिता दर्पण का आता है, और नामी ग्रामीण प्रकाशन का आता है, वहां से भी आप लोग मदद ले सकते हो। बेटर है वही है, वही से आप लोग तैयारी जरूर करिएगा नवोदय का। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर दिएगा, और यदि आप इस चैनल में नया गया तो लाल वाली बटन को सब्सक्राइब कर दिएगा, और इस तरह का मैं नया नया जानकारी लेकर आते रहूंगा। जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।